नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज का वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? आज का वीडियो जो बन रहा है उसका उद्देश्य है आपको ये बताना कि किन एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने सर्वाइकल पेन या कहें कि नेक पेन को दूर रख सकते हैं, अगर हो गया है तो उसमें आराम पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम 3 से 4 एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, ये तो है, कब नहीं करनी चाहिए ये आवश्यक है। मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एक्सरसाइज की थी, अब गर्दन हिल ही नहीं रही। उनका पता है मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट ऐसे होता है, वो पूरे पूरे घूम रहे होते हैं। तो हमें इसको भी अवॉइड करना है। 4 एक्सरसाइज या 5 भी हो सकती है, करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। पहली एक्सरसाइज, मैम अपने सीधे हाथ को नेक के पास लगाइए, कान के पास। अब आप देखिए, मैम अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखेंगी, हाथ कान के पास ऐसे लगा हुआ है, देखिए इस तरह से कान के पास ऐसे लगा है कि अंगूठा कान के पीछे है, उंगलियां कान के आगे, हमारा पिवट एक्सिस हमारा ये बनेगा। यहाँ पर एक बोन होती है, उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन या जाइगोमेटिक आर्च। अब मैम को करना क्या है या आपको करना क्या है? हाथ का प्रेशर इस तरफ, गर्दन का प्रेशर इस तरफ, मतलब आपस में प्रेशर लगाएंगे। मैम करिएगा, देखिए अगर देख पा रहे हो तो ये मांसपेशी टाइट हो रही है। मैम रिलैक्स करिए, फिर से करिए, अंतर देखा? मैम आप करते जाइए, आपको देखिए डिफरेंस दिखेगा, गौर से देखिए। ये है वो मूवमेंट जो हमारा डिजायर्ड मूवमेंट है, जो हमें चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में आप इसे 10 times करोगे, कुछ समय अंतराल के बाद आप 10 बार तो करोगे, मगर 5 से 10 की गिनती में से होल्ड भी करोगे। कैसे? आपने प्रेस किया, 1 2 3 4 5, छोड़ दिया, रिलैक्स। फिर से प्रेस किया, 1 2 3 4 5, फिर से छोड़ दिया। ये हो गया, मैम हाथ को नीचे कर लीजिए। अब करते हैं ये एक्सरसाइज दूसरी साइड से, मैम हाथ को नीचे करेंगे। अब उल्टे हाथ को रखिए, सेम एक्सरसाइज हमें दोहरानी है उल्टे साइड से भी। आप देख रहे हैं मैम का हाथ ग्राउंड के पैरेलल है। मैम एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, आपको इस साइड भी सेम मूवमेंट ये दिखाई पड़ेगा। ये मैं आपको दोनों साइड क्यों दिखा रहा हूं, उसकी वजह है कि आपको ये महसूस हो जाएगा कि पेशेंट जब एक्सरसाइज करता है या आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो कैसा महसूस होगा। आप मैम करते जाइए, 10 times हम दोहराएंगे इस एक्सरसाइज को भी। अब हमने ये एक्सरसाइज तो कर ली, आपका मन कर रहा होगा हम अभी कर लें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको हल्का ही दर्द है तभी आपको इन सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। यदि आपका दर्द बढ़ गया है, आपको सोने में तकलीफ हो रही है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, पेन रेडिएट कर रहा है हाथ तक या कंधे तक भी रेडिएट कर रहा है, तो आपको अब ये सही समय है कि अब आपसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। आपको अपने थेरेपिस्ट के पास जाना है, उनसे मिलना है, सलाह लेनी है और उनकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट कराना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज में मैम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों का लॉक बनाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे। मैम लगाइए, कोशिश ये करनी है कि आपके कान और हाथ एक सीध में रहेंगे। अब हाथों को आगे प्रेस करना है, सिर को पीछे प्रेस करना है, आपस में प्रेशर लगेगा। मैम करिएगा, तो नेक के पीछे की तरफ लोड आएगा, ये हमें ध्यान देना है। आप महसूस कर लेंगे, मालूम पड़ जाता है कि हाँ कहाँ लोड आ रहा है, कहाँ लोड नहीं आ रहा। मैम रिलैक्स करिए, फिर से करिए एक्सरसाइज को, रिलैक्स करिए, फिर से करिए। आप देख पा रहे हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। आप इस प्रकार से ये एक्सरसाइज होगी। मैम वापस आ जाएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज जो होगी उसमें हमें नेक का रोटेशन करना है, बट ध्यान ये रखना है क्योंकि आपको सर्वाइकल का पेन है इसलिए हम फॉरवर्ड बेंडिंग तो कर ही नहीं सकते। तो मैम अपने नेक को राइट साइड बेंड करिए, धीमे से पीछे से घुमाते हुए लेफ्ट साइड लेके जाइए, बस यहाँ रुक जाना है। वापस से पीछे घुमाते हुए राइट साइड ले आइए, नॉर्मल आ जाइए। तो आपने देखा, मैंने जब एक्सरसाइज मैम को करवाई तो फॉरवर्ड बेंडिंग कोई नहीं हुई, हमने सिर्फ पीछे का सर्कल घुमाया और हम वापस आ गए।
ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कई बार लोग गलती करते हैं और आगे झुक जाते हैं, नहीं करते। तो हमने अब तक करी 3 एक्सरसाइज। पहली आइसोमेट्रिक थी साइड टू साइड, दूसरी आइसोमेट्रिक थी पीछे की साइड में, और तीसरी एक्सरसाइज थी हाफ सर्कल रोटेशन मगर पीछे की साइड से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिलते रहे। अब आगे चलते हैं हम चौथी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें हमें रोटेशंस नहीं करने हैं, आइसोमेट्रिक नहीं करनी है, सिंपल नेक के मूवमेंट्स करने हैं, साइड टू साइड या साइड बेंडिंग। मैम अपने नेक को राइट साइड बेंड करिएगा आराम से, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। सिर का जो हमारी निगाह है, जो विजन है, सामने रहेगी, दृष्टि को सामने रखते हुए ही सिर्फ नेक को बेंड करा, हम वापस आए, मैम वापस आइए, सेम मूवमेंट लेफ्ट साइड रिपीट करा और हम वापस आ गए। इस मूवमेंट को आप होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या अगर तकलीफ ज़्यादा है, इनिशियल स्टेज में है, तो होल्ड मत करिए, नेक को बेंड करिए और वापस आ जाइए, बेंड करिए और वापस आ जाइए। ध्यान ये रखेंगे इस एक्सरसाइज को करते वक्त कि आपके जो बॉडी का बाकी पॉस्चर है वो स्ट्रेट बना रहेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे झुके जा रहे हैं, ये नहीं करना है, सिर्फ नेक की बेंडिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूवमेंट मैम आपके राइट साइड देखिए, अब देखिए पूरी बॉडी का पॉस्चर ठीक है, सिर्फ नेक का रोटेशन हो रहा है, वापस आइए, लेफ्ट साइड देखिए, वापस आ जाइए। तो ये है हमारी 4 एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक पेन में करने वाली। हाँ, यदि आपको इनिशियल फेज का पेन है तो ही इन्हें करिए, अन्यथा अपने थेरेपिस्ट को कंसल्ट अवश्य करिए, या आगरा के क्षेत्र में आसपास अवेलेबल आप हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या हमारा एड्रेस नीचे बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से हमें संपर्क करिए। कोई समस्या अभी आपको हो रही है उसे कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट करिए, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको उसका निवारण उपलब्ध कराएं। ये तो हो गई सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस। अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, अगले वीडियो में आपके लिए इंतजार कर रही हैं नेक की कुछ और एक्सरसाइजेस या कुछ मैनुअल थेरेपी से संबंधित ट्रीटमेंट, जिनको करने या कराने से आपकी हेल्प हो सकती है, आपका नेक पेन ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, तभी तो आपको उनके बारे में मालूम पड़ेगा कि वो वीडियो कब आ रहे हैं। वरना अगर आपको कमर दर्द या शैटिका संबंधित कोई समस्या है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करिए, और बाकी वीडियोस के लिए, बाकी समस्याओं के लिए अभी वीडियोस को स्क्रॉल करिए और देखिए। धन्यवाद।